प्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा चार की बुक तरफ से पाठ नंबर चार प्रकृति पढ़ा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मैंने आपको लेसन नंबर थ्री पढ़ाया था वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेसन नंबर फोर प्रकृति पढ़ा रही हूँ। इस पाठ में कवि हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के बहुत सारे तत्व हैं, वो तत्व मिलकर हमें क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं, हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भी उनके जैसा ही बनना चाहिए। इस कविता में कवि हमको यह समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको आप आइए आपको मैं ये कविता पढ़कर उसका अर्थ बताती हूँ। प्रकृति। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। इस कविता में कवि कहता है कि जैसे पर्वत अपना सिर ऊपर करके खड़े होते हैं, यानी कि वो बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं ना, देखा है आपने, वैसे ही आपका भी सिर ऊंचा होना चाहिए। यानी कि आप इस संसार में ऐसे अच्छे अच्छे काम करो जिससे कि आपका सिर भी हमेशा गर्व से ऊंचा हो। आपको भी हमेशा अच्छे काम करने चाहिए जिससे सारे संसार में आपका नाम फैल जाए और आप भी सीना तान करके खड़े हो सको। तो इन पंक्तियों में कवि हमको यही बताने की कोशिश करता है। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर क्या होता है? समुद्र। इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि समुद्र हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जिस तरह से मैं बहुत गहरा हूँ, मेरे मन में इतनी गहराई है कि मेरे अंदर हजारों सीपी, मोती और मूंगे आदि छिपे पड़े हैं, लेकिन उस बात का मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इस तरह से आप भी अपने मन में गहराई लाओ, आप भी अपने अंदर ज्ञान का असीम भंडार भर लो। आप में भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिससे आपका सारे संसार में नाम हो और आपको अपने आप पर घमंड ना हो। समझ में आया आपको? अब देखिए सेकंड स्टेंजा। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। भार बोझ तरल द्रव्य, गहराई गंभीरता, तरंग लहर, धैर्य धीरज, शीश सिर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सागर में जो लहर या जो तरंग उठती रहती है, बार बार उठती है गिरती है, आपने देखा होगा पानी की लहरें लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और फिर उठ करके नीचे गिरती हैं। तो हमें जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत खुश है, वो बहुत प्रसन्न है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही प्रसन्न होना चाहिए, चाहे कैसी ही परिस्थितियां क्यों ना आए, कैसा ही दुख क्यों ना हो, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें कभी भी साहस नहीं खोना चाहिए और हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए, जैसे कि समुद्र की लहरें हमेशा प्रसन्न रहती है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। और आगे इन पंक्तियों में कवि कहता है पृथ्वी कहती, पृथ्वी में भूमि और धैर्य में धीरज, कि पृथ्वी हमें यह संदेश देती है कि चाहे हमारे ऊपर कितना ही वजन क्यों ना हो, परंतु कभी भी हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे कि धरती माँ के ऊपर हम इतना वजन लाद कर रखते हैं, सारा वजन हमारा धरती माँ को होती है, लेकिन कभी वो अपना धीरज नहीं छोड़ती है। हमें भी इस तरह से ही चाहे हमारे ऊपर कैसी ही परिस्थितियां आ जाए, हमें कभी भी अपना धीरज नहीं खोना चाहिए, हमेशा उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। और नव मीन्स क्या होता है? नव माने आकाश। आकाश जैसे कि आपने देखा आकाश सारे संसार में फैला रहता है, सारे संसार को आकाश ने ढक रखा है। जहां से जहां तक आप देखोगे आपको आकाश दिखाई देता है,
कहीं ऐसा नहीं कि आकाश ना हो? तो आकाश सारे संसार में फैला हुआ है, तो आकाश हमें क्या संदेश देता है कि हमें भी अपने अच्छे अच्छे गुणों से इतने अच्छे अच्छे काम करने चाहिए कि हम भी सारे संसार में ऐसे ही फैल जाएं, सब लोग हमें भी ऐसे ही जाने कि देखो ये बच्चा इतना अच्छा काम करता है कि इसका सारे संसार में नाम हो गया। तो इस कविता से हमें बहुत अच्छा संदेश मिला है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।